नीमच सिटी थाना अंतर्गत रावण रुंडी में आज दोपहर चाकूबाजी की गंभीर घटना घटित हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रावण रुंडी के रहने वाले 26 वर्षीय गोविंद पिता किशन लाल को बबलू नामक व्यक्ति ने पैसे के लेनदेन की बात पर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोविंद ने बताया कि मुझे बबलू के परिवार से 1,000 रुपए लेने थे, जिसे लेकर मैंने परिजनों को फोन किया था। मेरे द्वारा उधार दिए गए पैसे वापस मांगने पर बबलू नाराज हो गया। वह कल से मुझे मारपीट की धमकी दे रहा था। आज सुबह भी उसने पत्थरबाजी की। फिर आज दोपहर बबलू ने नशे की हालत में मुझ पर चाकू से वार कर दिया। गोविंद चाकू के वार से जख्मी होने के बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना तो भी दोपहर को हुई थी 2:30 बजे। पूरा मामला रात को उसने धमकी दी थी कि मैं तू मिलेगा तो मैं तेरे को मारूंगा, चाकू से मार दूंगा, उससे मतलब वार करूंगा तेरे ऊपर। तो फिर मैंने उसकी बात ऐसे ही ले ली, मेरे बात ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा हो, मतलब नशे में बोल रहा हो ये, तो अभी तो कोई बात नहीं, सुबह उतर जाएगा नशा तो कुछ नहीं बोलेगा। तो फिर सुबह उसने मेरे ऊपर भाटे फेंके, बाजार जा रहा था मैं घर गाड़ी लेके, तो मेरे पीछे पत्थर फेंके इसने। फिर मैं सोचा पता नहीं अब इससे बात करें कैसे करें, अब ये तो इसके पास जा रहे हैं, अपन तो वार कर रहा, भाटे फेंक रहा, लकड़ी काई के मार रहा, तो ये सुबह से चाकू लेके घूम रहा था ये रास्ते, तो चाकू लेके घूम रहा था, चाकू लेके, और फिर इसने दोपहर को दारू वारू पी इसने, और दारू पीने के बाद मैं गाय को पानी पिला रहा था, तो मैं सोचा वह सर के फ़ोन लगाया था, सर रिपोर्ट लेकर आ रहा हूँ, सर ने बोला वह आ जाना, वही गलत सोचने लग गया कि मेरी मम्मी के फ़ोन लगाया। एक 1,000 रुपये दिए थे ना मैंने उन लोगों को पहले ही दिए थे, तो अब वो क्या 2-3 महीने हो गए, तो फिर उसको लेना तो पड़ेगा ना अपने को, तो वही वाली बात में उसने गलत सोच लिया। अब उसकी नीयत नहीं है देने की तो कोई बात नहीं, साफ मना करते, अब गाली गुलज करना हो ऐसा करना हो, बोला तेरी माँ को ऐसा कर दूँगा, तेरी बहन को ऐसा कर दूँ, मैंने कोई जवाब ही नहीं। बबलू सिंह रावण रुंडी के गोविंद किशन लाल नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।